पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान इससे तीसरी कुछ बात ही नहीं। आज तुरंत अब गुंडागर्दी का नाम आते ही मुसलमान लेके आ गए। किसान एक मिनट देखो देखो तो किसान सम्मान प्रदेश किसान पर हाथ उठाइए। योगी सरकार के पक्ष में कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए हम गिनेंगे। हम योगी सरकार के पक्ष में कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाए। एक मिनट, एक दो तीन, तीन लोग मानते हैं कि बीजेपी की सिटिंग सीट है। यहाँ कितने लोगों को लगता है कि सरकार सही नहीं कर रही है, किसानों का भला नहीं हुआ, या ये बिजली दर ये जो भी कम किया गया, ये लॉलीपॉप है जैसे कुछ लोग करें, कितने लोग करें वो हाथ उठाए। ये कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पे कैमरा घुमा दीजिए। थोड़ा वाइट करिए, लाइए करण, मैं कैमरा दिखाऊँ थोड़ा वाइट। अब ये कैमरामैन से मैंने कैमरा लिया है, जिससे आप लोग हाथ उठाए रखिए कि कितने लोग हैं जो इस बार बीजेपी से खफा है और वोट नहीं देना चाहते, वो हाथ उठाए। हम बिल्कुल वोट नहीं। ये बताओ, आप इनसे पूछो ना, पहले के मुकाबले कम हो, पहले के मुकाबले कम हो रणबीर जी, लेकिन आप यहाँ अल्पमत में आ गए हो बिल्कुल, है 50/2 है। जबकि आप पूर्व प्रधान होता भी आप अमीर मुसलमान नहीं था के, उन्होंने देश के लिए नहीं मरे। झगड़ा मत करो, अरे एक को काम रहा दूसरा अंगल वाला। आप देखिए ये बहस मैं नहीं चाहता था हो। चौधरी साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? आप शांत हो जाओ, आपस में नहीं लड़ना, शांत हो जाना, आपस में नहीं। चलिए हाँ, बहरहाल पीछे करो, बच्चे पीछे करो। बहरहाल देखिए ये आपस में क्यों आप लोग तनातनी कर रहे हो? सब इसी गांव के लोग रहने वाले हो। इस नमस्कार दोस्तों, जब भी चुनावों का मौसम आता है सरकारों को जनता का ख्याल आता है, जनता का ध्यान आता है, नींद खुलती है और लगता है कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जाए जिससे जनता खुश हो जाए। योगी सरकार को भी किसानों का ख्याल आया और जब किसानों का ख्याल आया तो योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया जो आज के अखबारों की सुर्खियाँ हैं कि 13 लाख किसानों को होगा फायदा, योगी सरकार ने बिजली की दरें कर दी आधी। आज के हर अखबार की सुर्खियां ये कहती है कि चुनाव में जब सिर्फ 2 महीने बचे हैं तब योगी सरकार ने सोचा कि किसानों को बिजली की दरों में राहत दी जाए। यूपी के वो किसान जो खेतों की सिंचाई करते हैं, नलकूपों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खुश किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जो नाराज किसान 1.25 साल से पहले से नाराज थे उनकी नाराजगी को कम किया जाए। तो सवाल यही है कि क्या किसान खुश हो गए? क्या किसान जो बिजली की दरों को लेकर आक्रोशित थे, यूपी के ज़िले ज़िले, कस्बे कस्बे, गांव गांव में घूमता रहूं बीते 4 महीनों में, जहां भी जाता हूं किसान बिजली की दरों का जिक्र करता है, क्योंकि खेतों में सिंचाई के लिए डीजल चाहिए जो बहुत महंगी हो चुकी, 100 रुपये 90 रुपये डीजल, और बिजली महंगी बार बार जिक्र आता है, हरियाणा में सस्ती तो यूपी में महंगी क्यों? लेकिन आज की सुर्खियाँ अगर ये आ गई कि आधी हुई किसानों के लिए बिजली की दरें, तो क्या इन सुर्खियों के बाद जो ऐसे चौक चौराहों चौपालों पर अखबार पढ़ा जा रहा है इसके बाद किसान खुश हो जाएंगे और योगी सरकार के फैसले के बाद किसानों का गुस्सा कम हो जाएगा? यही जांचने परखने मापने के लिए मैं अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। अभी मैं हूं बागपत ज़िले के बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में। गाँव का क्या नाम है? लोहारी जी। लुहारी गांव का नाम है। बड़ौत वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी का कब्जा है 2017 में। 2012 में इसी सीट पर, बहुत दिलचस्प है, 2012 में बीजेपी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे थे बड़ौत से 8,300 वोट पाकर, लेकिन 2017 में जब यूपी में आंधी चली, लहर चली, जो कुछ हुआ, जिसकी शुरुआत 2013 से हुई, बीजेपी को यहाँ 80,000 वोट मिले और बीजेपी का कब्जा है। सवाल बड़ौत का नहीं है, सवाल बागपत का नहीं है, सवाल किसानों का है और सवाल किसानों की उन मुश्किलों और परेशानियों में योगी सरकार के इस फैसले का है। तो शुरुआत करते हैं आपसे, योगी जी की ये सब जगह आप लोग पढ़ चुके हो अखबार, तो पढ़ चुके सब लोग अखबार पढ़ लिया आज का, बस ये आधी हो गई बिजली की दर सबको पता है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो अब क्या लग रहा है आधी हो गई तो अब ये इनसे क्या होना? आधी है तो आधी होगी, इतनी महंगी कर रखी है हरियाणा हमारे पास में, वहाँ 35 रुपए हॉर्स पावर है, यहाँ 185 रुपए हॉर्स पावर थी, तो घटा भी है तो अब भी ज्यादा है हरियाणा के मुकाबले।
लिखी तो है घटाई कितना फिर? अरे भी कोई वो नहीं इसका, इससे घटाने से क्या है, तेल इतना महंगा, खाद और डाई बहुत महंगा कर रखा है, सबर डंगा, सिलेंडर महंगे, हर चीज महंगी हो रही थी, महंगाई इतनी हो रही सरकार में कि बुझो ना बुरा हाल है आम आदमियों का। अच्छा महंगाई पर जाने से पहले जरा बिजली पर बात करते हैं, आते हैं अभी महंगाई पर जाने से पहले, जैसे सरकार ने किया है कि जो नलकूप के लिए जो मीटर्ड कनेक्शन थे वो 2 रुपये प्रति यूनिट अभी है, जिसे आधा करके 1 रुपया कर दिया, और जो फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर था जिसको 85 कर दिया, आधा कर दिया, तो इतना तो आधा सरकार ने कर दिया, ये दर आधी हो गई, तो अब तो खुश होने का वक्त है। नहीं इसमें खुश होने की तो कोई बात ही नहीं जी, मोदी जी वहाँ लाल किले पे कह रहे हैं गन्ने का हमने 99.9% भुगतान करवा दिया, हमारा पिछले सीजन का भी बकाया आधे से ज़्यादा, बोल रहे हैं झूठ बस खाम खा के, अब इसने कोई विधानसभा में पास कर दिया यू, बस कह दिया लॉलीपॉप देने के लिए पब्लिक को, कहाँ है बच्चों का रोजगार, सब तो इस उन्होंने निजीकरण कर दिया, बताओ पीछे जनता मर गई कोरोना में, ये मंदिर बनाए रहे, ये मस्जिद गुतोड़ रहे, बस इडाल इडाल के काम है ना जितने ये मंदिर में और उसमें काशी कॉरिडोर में जितना पैसा लगा रहे, अगर कोई हॉस्पिटल बनाते या कोई बड़ी फर्म खोलते जिससे 1000 परिवार उक्त रोजगार मिलता और देश में कुछ इनकम बढ़ती, बस मंदिर मस्जिद मुसलमान और हिंदू इस तरह ना कुछ है ही नहीं, कहीं विकास के मुद्दे पर कोई काम करते हो, ई बिन के पास में 2 महीने के अंदर अंदर इतना पैसा आ गया जितना पूरे हिंदुस्तान का साल भर का बजट है, कहाँ से आ गया यू बताओ, कहाँ से आ गया? नहीं ये थोड़ा ज्यादा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के साल भर का बजट का नहीं है, लेकिन हाँ चुनाव के मौसम में तो लॉलीपॉप दिया ही जाता है। 7 साल से कहाँ थे ये बताओ, कहाँ थे? मोदी जी को तो 7 साल हो गए, 5 साल इसे हो गए, पहले नहीं कर सके थे ये घोषणा, बच्चों का कहीं रोजगार नहीं छोड़ दिया, यूपी पुलिस की 6 साल की सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रखे, जिन बच्चों की सिर्फ शपथ ग्रहण होनी है वे आज तक घरों पड़े ट्रेनिंग पूरी करके। तो अब ये रोजगार का सवाल तुरंत आया और बाकी महंगाई का सवाल पीछे जिक्र कर रहे थे, लेकिन एक बार पहले मैं 2-4-5 लोगों से बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर वापस लौटूंगा। आपको क्या लगता है, ये देखो बिजली की दर महंगी थी, किसान नाराज थे, सीधे 50% कम किया, आधी कर दी, तो आधी कर दी तो बड़ा फैसला तो है? नहीं फैसला तो बड़ा है, लेकिन इसको मान कैसे लें? यूँ तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 15-15 लाख आओगे, आए क्या? कैसे मान, वो कैसे जुमला था वो अमित शाह का चुके, तो ये सरकार का फैसला है, ये जियो होगा, तो ये भी तो जुमला हो सकता है जी? नहीं नहीं जुमला नहीं होगा, ये ऑर्डर होगा सरकार का, दोनों में फर्क है, अगर कर दिया तो चलिए उसको, वो एक कहावत है जी, अगनों को कहावत है जी, कल्याण दे बहुत सुंदर बहुआई, कल्याण जी कोली मार ले जी मान लूंगा तो जी भी हो लेगा, हम तो तब मान लेंगे, इन्होंने कुछ कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि करते तो कुछ है ही नहीं ना, आज शुरू से आखिर तक ही देखो इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल अगर आप देखोगे तो टोटली झूठ का पुलिंदा ही निकला, 14 दिन में गन्ना पेमेंट की बात थी हुआ नहीं, बिजली के बिल आधा कर देना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के ही राज्य में तो 35 रुपये है, अभी 85 रह गया हमारा तो, दूसरे पड़ोसी राज्य में पंजाब में फ्री है, आंध्रा में फ्री है, तेलंगाना में फ्री है बिजली किसानों के लिए, और यहाँ अब भी 85 बोला है, होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, किसानों को राहत तो मिलेगी जरूर इससे, लेकिन समस्या तो वही है होगा या नहीं होगा, समस्या तो यही है कि होगा या नहीं होगा। और ये जगह का नाम क्या है जहाँ चौराहे पे? लुहारी मेन बाजार, लुहारी का मेन बाजार है, चौक मेन बाजार लुहारी। हाँ तो यहाँ जब मैं आया गांव में बागपत सड़क से, लोगों से पूछता हुआ कि बड़ा गांव कौन है, जाटों का गांव कौन है, तो लोगों ने मुझे लुहारी बताया, यहाँ गलियों से बहुत मुश्किल से, पतली सी गली है, सड़क बहुत संकीर्ण है, सड़क से जब यहाँ आया तो यहाँ बहुत सारे लोग, हालांकि कुछ लोग ताश खेल रहे थे जो मेरे आते ही ताश समेट कर उसके बाद दाएं बाएं हो गए, चौक चौराहे पर ऐसे लोग गाँव में वक्त गुजारते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही कि क्या क्या किसानों को, किसानों के लिए योगी सरकार ने चुनाव से 1.25 महीने पहले अगर सोचकर कोई फैसला किया तो क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा? नहीं, हमारे इस बिजली का हमारा एक बार खबर आ, इसमें बागपत जिले में बड़ोस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पावर है, 12.5 पावर, फलाना पावर, बस यू कर रखा है, तो हटवा दो तो करोड़ उनमें ब्लॉक को मैं यहाँ करवा दो। नहीं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं ये पावर बढ़ा रखी जी यहाँ पे, जो बिजली की हॉर्स पावर है 12 की, बागपत जिले के 2-3 ब्लॉक है, इनमें 10 और 12 पावर हो रही जी,
और आगू 5 पावर है, 7.5 हॉर्स पावर है, यहाँ 10 से कम है ही नहीं जी। 12 से फिक्स चार्ज ज्यादा लगता है। हाँ जी ज्यादा, तो उन्होंने कर दिया है कि 10 से कम नहीं होगा, तो आप यूज चाहे 5 भी करो, आपको फिक्स चार्ज 10 हॉर्स पावर का दे रहे हैं। ये कर साइड 12 है। हाँ यहाँ ज्यादा है बिल। एक दो जो तो बड़ौत ब्लॉक है इस पे 12.5 हॉर्स पावर है। नहीं जी बिनोली नहीं, एक वो है बिनोली है 4 में 10 पावर। हाँ इसमें 12.5 है। अच्छा चलो एक मैं समझ गया आपकी बात कि वो इनके कहने का आशय है कि फिक्स चार्जेज अगर 12 हॉर्स पावर आप फिक्स करते हैं तो आप चाहे 5 यूज करें चाहे 6 यूज करें, फिक्स चार्जेज आपको उतना ही देना होगा, वही इनका कंसर्न है। और बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिनका नलकूप 5 हॉर्स पावर का भी है, 5-6 का भी है। हाँ 5 वाले भी है जी, लेकिन देना उनको उतना ही पड़ेगा। अब आप जरा और है क्या क्या 50-60% से ज्यादा किसान है जिनका 5 हॉर्स पावर का ही कनेक्शन है और बिल देते हैं 12.5 हॉर्स पावर का, 12.5 हॉर्स पावर का बिल देते हैं फिक्स चार्ज। ये केवल यहाँ बड़ौत ब्लॉक और बिनोली ब्लॉक में है, बाकी और में 10 भी है। बागपत जिले में सबसे ज्यादा है बिजली का रेट, जो कहीं भी नहीं है। कैसा ऐसा संभव है? मान लिया बागपत से जुड़ा हुआ जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ 5 हॉर्स पावर, और बाग मुजफ्फरनगर से जुड़े श्यामली में भी 5 हॉर्स पावर और बागपत में 12.5 हॉर्स पावर। तो ये एक अलग स्थानीय समस्या है जो समझने की जरूरत है, बागपत और मुजफ्फरनगर में फर्क क्यों है, एक ये समस्या। लेकिन ओवरऑल फिर हम वापस बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सुशील जी। सुशील जी आप क्या सोचते हो? सब लोग दो चार लोग अभी बात के नाराज, आप भी नाराज हैं? आप भी नाराज है जी पूरे पूरे। अरे क्योंकि खुश भी होने का, योगी सरकार इसलिए ये दे रही है आप लोगों को, खुश हो जाओ। आप इसके बाद भी नाराज हो गए तो खस्सी का जान गया, खवैया का स्वाद नहीं। आधा बिल करे उससे अच्छी बात है, होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि अब तो मान के चलो 2-2.5 महीने बचे हैं इनके दौरे, उसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं, 1-1.5 महीना ही पड़ जा, इसमें क्या करेंगे? नहीं अब मान लो उनकी सरकार फिर आ गई तो आगे चलेगा, जब सरकार जाती सख्ती दिख रही, जब ये तो एक कर एक आधा करेंगे जिससे कुछ लॉलीपॉप मिल जाए किसानों को, और वे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे जिससे आपके हाथ में पहले जैसी वोट मिल जा, लेकिन अब वोट नहीं मिलेगी। ये तो और करेंगे जी, आने वाली सरकार तो फ्री देगी किसानों को बिजली। अच्छा। फ्री की भी तो घोषणाएं है, आने वाली सरकार तो फ्री देगी। ये एक दिल जैसे इन्होंने कह दिया, ये कह दिया कि अखिलेश यादव ने जैसे ऐलान किया है सिंचाई की बिजली फ्री, पता नहीं इस अखबार में खबर है कि नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि सिंचाई के लिए बिजली फ्री, और ये कंपटीशन चल रहा है प्रतियोगिता राजनीतिक दलों में चुनाव के पहले, तो बिजली फ्री तो अब अखिलेश यादव भाई आएंगे तब ना, मान लो राधा को 9 मन तेल होगा तब तो राधा नाचेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इनके साथ भी तो यही है। यही क्या जरूरी है ये आएंगे? ये इनकी भी तो वही बात है, अगर ये ना आए तो दूना चार्ज आगे तो दूना चार्ज लगाऊंगे, तो अगर बीजेपी आती है तो ये तो डबल लेंगे। अखिलेश आओगे तो अखिलेश पहले आया मुख्यमंत्री हुआ, उसने टैबलेट लैपटॉप की घोषणा की, बंटे खाली वादा नहीं रखा, झूठ नहीं बोलिया, बच्चों को लैपटॉप दिए सब कुछ, जो बिजली आज 24 घंटे का दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई भी इस बात को बतावे, एक किसी भी एनटीपीसी का नाम बता दें जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बने हो, सब अखिलेश की देन है। लेकिन योगी सरकार तो अब उस पर जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी, योगी सरकार कह रही है हमने 35 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, एक्सप्रेसवे बनवा दिया, विकास के पता नहीं कितने नए नए आयाम गढ़ दिए। उद्घाटन और शिलान्यास में अंतर है, उन्होंने शिलान्यास किए होंगे कुछ, इनके उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन वो होता है तब जब संस्था बनकर तैयार हो जाए और जनता को समर्पित करी जा, वो तो है उद्घाटन, और शिलान्यास होता है फित्ता काटना, खाली गए फित्ता काट दिया जी हम यहाँ इतने साल में यू करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे वो एक अलग। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और अभी उद्घाटन भी हुआ, लेकिन हम वापस आते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएं क्यों? आम पब्लिक को उससे क्या फायदा, जिसके अब 100 गाड़ी चल रही उसे है फायदा, तो हम कौन सा इनमें तो कौन सा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अपने वाहन चला रहा, किसान को कौन सा चढ़ने दें? अब ये हाईवे बन रहा इस पर किसी किसान का बताओ क्या फायदा, कोई ट्रॉली लेकर नहीं जा सकता, गंजे की बुग्गी लेकर नहीं जा सकता, मेरे लिए क्या फायदा? वो इधर साहूकारों के लिए जिसके 100-100 गाड़ी चल रही, आम पब्लिक को हाईवे, उस हाईवे से क्या फायदा हुआ बताओ? अरे हर तरह के लोगों के फायदा देखने की बात होती है ना, सरकार का काम है हर तरह का फायदा देखना। और एक बार इस बीच बहुत सारे लोग यहाँ जुट गए तो हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे एक बार चारों तरफ घुमाएं, बातों बातों में जब मैं आया तो 8-10 लोग थे जिसमें से 5-6 ताश खेल रहे थे, बाकी देख रहे थे, और उसके बाद जब मैं कैमरा खोला तो ताश वाले दाएं बाएं हो गए, 7-8 मिले, और अब जब कैमरा शुरू हुआ तो ये देखिए इतने लोग हैं। आप बीच में मुस्कुरा के बीच में
हमने तो इस टाइम डी आर आज लग गया नहीं ना, तो सारा रात को आओ दिन में आओ कदी आओ, और जोन सा अखिलेश है, अखिलेश के राज में सारा निरोल गुंडागर्दी थी और यहाँ लूट ले थे, यहाँ बोले मोटरसाइकिल भी सब डेंगे खोज के ले थे। अच्छा इधर आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, इनको बैठने दो जरा, बच्चे बैठ, आप आ जाओ, नहीं आप यहाँ आ जाओ, अब जैसे एक अभी आए, हाँ नहीं नहीं अब आप आपका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी थी। एक मिनट जरा, थोड़ा बेटा आप पीछे कर सकते हो, आप सुनो एक मिनट, अरे आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो जरा, आमने सामने तो बात हो जाए ना, आप यहाँ बैठो, बच्चे थोड़ा सा पीछे खिसको, आप बैठो, चलो आप बैठते जाओ, छोड़ो ना, आप बैठो यहाँ पे, हाँ बैठो, हाँ जैसे अब इन्होंने कह दिया कि अखिलेश राज में, एक एक करके भाई आपके पास भी आऊंगा, हाँ अखिलेश राज में गुंडागर्दी थी इन्होंने कह दिया, पूरी गुंडागर्दी एक नंबर की। एक बार लच्चे लेन जाते मेरे यूपी जंदर, वहाँ एक मुसलमान का गड्डी थाम रहा था रोड पे, भाई आ गए हिंदू मुसलमान पे, सुने सुन मैं बता माँ, उसने क्या कहा, उसने सुनो पहली बात सुनो जी, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इससे तीसरी कुछ बात ही नहीं, आज तुरंत अब गुंडागर्दी का नाम आते ही मुसलमान लेके आ गए, नहीं सुनो वहां गया भाई, सड़क का मालिक कौन है, कहले हम है सड़क के मालिक, यहाँ लो लूट ले रहे मारा, जो बेदुनाई है उसका लोंडा बहु गुलेगा, और यहाँ मोटरसाइकिल भी खुशी, उसके रपे भी खुशी, तो यहाँ अभी रामराज है क्या 5 साल में, कोई लूट नहीं, अरे भाई यहाँ तो यूपी में इतनी घटनाएं, अभी लिस्ट लेके बैठूंगा तो फिर अलग हो जाएगा, चोरी तो भी होती ना, खूब लूटे भी पता कहाँ रामराज कल ही बड़ोत में बहुत बड़ा चोरी हुई, बहुत जगह चोरी हो रही, सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी सरकार में हुई, सबसे ज्यादा चोरी इस सरकार में हुई, सबसे ज्यादा हाथरस कांड देख लो आप, सारे को सबसे ज्यादा काम इसकी सरकार में हो रहा, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, कितने आप कर लो, यहाँ लोकदल गया है, लोकदल की सीट है यार, लोकदल ही जीतेगी, कितने वो कर लो, जीती ना पिछली बार तो जीती यहाँ से बीजेपी, धोखे में रह गए थे जी, वो देखे रेणु कहता था मोदी 50 पीछे की माचिस मोल मिले, और 14वें दिन पेमेंट दुआ, मैं कहाँ दुआ, कहीं भी ना दुआ, बताओ कहाँ है पेमेंट, यूपी बीजेपी की देगा, जब इन्होंने युवा पैका लिए, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, लगा नहीं जा, बोल रहे हो, यूपी बीजेपी की देगा वोट, अच्छा और मैं भी दूंगा, अब भी दोगे, हाँ और इतनी बढ़िया सरकार था, मैं भी ना, तो आप अगर आपसे भी समझे हम, तो ये जो यहाँ तो ये लोग बैठे हैं एक को छोड़ के, ये 5-6 लोगों जिनसे बात की, ये सब तो नाराज है कि सरकार ने ये लॉलीपॉप थमाया और कुछ नहीं करती है, तो सब अपनी कह रहे हैं बीजेपी वाले बीजेपी की देंगे, मेरे गांव में पहली बार भी जीता था, अभी कभी जीतेगा, और लोगों की वोट ना, इनकी थोड़ा, ये सब की वोट तो बिल्कुल होगी, योगी का राज बढ़िया, ईमानदारी की सरकार चल रही और गुंडागर्दी कम हो रही, और कैसा करके तो आपको ही खाना करके आपको ही खाना पर ईमानदारी चल रही, आप जो कह रहे हो आपका नाम जान सकता हूँ, हाँ धर्मवीर, धर्मवीर जी एक मिनट, प्रधान है ये, अच्छा आप प्रधान हो, पूर्व प्रधान, अच्छा पूर्व प्रधान, एक सेकंड एक एक करके, अब धर्मवीर जी जो कह रहे हैं इनका जवाब इधर कोई देगा कि ये जो आप धर्मवीर जी ने जो कहा कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छा है, प्रधान जी तो बीजेपी के कैंडिडेट होने की उम्मीदवार है, इनकी तो कोशिश चल रही है बीजेपी के लिए टिकट के लिए, तो हर आदमी अपनी कहेगा, तो जो जिसकी इच्छा है तो कहेगा, भाई जब ये बीजेपी से टिकट की उम्मीद है न, इनके भाई हैं डॉक्टर, अच्छा तो उनकी उम्मीद है बीजेपी से टिकट होने की, तो जब इनकी टिकट होने की उम्मीद है बीजेपी से, तो ये तो कहेंगे, इसमें क्या दो राय, लेकिन ये भी तो है कि भाई जो अखबारों में आप अगर विज्ञापन देखोगे, जैसे रोज बताया जा रहा है कि किसानों का इतना कर्जा माफ कर दिया, किसानों के लिए किसान निधि, देखिए अन्नदाता को सम्मान किया, कर्जा मुक्त किसान, 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा माफ, सोच ईमानदार काम दमदार, रोज ऐसे विज्ञापन जैसे ये छपते हैं, ये तो चलो विधवा पेंशन का है,
ऐसे रोज विज्ञापन अखबार में, ये देखो किसान, एक मिनट देखो, देखो तो किसान सम्मान प्रदेश किसान। अरे भाई सुन तो लो, आपस में लड़ने लगे आप लोग। अरे सुनो तो पहले, सुनो पहले। अब जैसे इसमें है ना कि यूपी में 2,53,00,000 किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत प्रति किसान दिए जा रहे हैं सालाना 6,000, तो इतना चीज तो दिया जा रहा है। मैं मुश्किल से 30% किसानों का है रही पीएम योजना, नहीं तो मैं रिकॉर्ड ठा के दिखा दूं, खुद मारे नहीं आ रही। अरे आपके नहीं आए तो कुछ कागज में गड़बड़ होगा। कागज 10 बार जमा करवा लिए, सुनाई ना करते जी बिल्कुल भी नहीं, मारे भी रुक रही। किसी के बीच में एक बुजुर्ग आके बैठे हैं, एक सेकंड आप लोग। सिलेंडर की भी आई होगी सब्सिडी तो मिले होगी, सिलेंडर भी कहाँ गई सब्सिडी सिलेंडर की? सरकार इतनी महंगाई सरकार में बहुत ज्यादा, बहुत महंगाई है सरकार में। सिलेंडर देख लो आप कितना महंगा हो गया, बताओ कहाँ से गरीब आदमी कैसे काम चला हुआ है। अच्छा एक मिनट आ रहा हूँ, बुजुर्ग है एक, इनसे बात करने से पहले एक आदमी पीछे बहुत गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, जरा आप ही के पास आ। दर्द गाना है, अरे इंदौर से पूछ रहा हाथ हुआ के देख लेन, वो एक काम बता दे वो कौन सा है, कौन सा है जी सुरक्षित है? कौन से सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, सारी डकैती चोरी सरकारी लूटने लग रही है, हमें तो योगी लूटने लग रहा है योगी। ये 2,000 है, मेरे पास 4,000 ले लो, मेरा पेमेंट दो दो जी। मरे जा रहे उल्टे 2,000 मरे जाने लग रहे, सिलेंडर क्या हो गए बिजाने बंद हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा मैं साफ साफ पूछता हूँ, चूंकि ये जो बड़ौद विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की अभी सिटिंग सीट है, और ये अचानक मैं आया तब 5 लोग से अभी मुझे लगता है 30-40 लोग हो गए, समझने के लिए कि जो योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, और जैसे आज किसानों की भी बिजली दर आधी कर दी, कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है? जरा हाथ उठाइए, योगी सरकार के पक्ष में कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हम गिनेंगे। हम एक ही सरकार के पक्ष में, एक मिनट, एक कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाए, एक मिनट, 1, 2, 3 तीन लोग मानते हैं कि भी क्या 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 हाथ ना सब शहीदों से भी मार। रुक जाओ अब मैं उल्टा करता हूँ, कहाँ जा रहे हो आप, बीच में बैठो, बीच में मत जाओ। हाँ अब मैं उल्टा करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ अब मैं उल्टा करता हूँ कि यहाँ बड़ौत के इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सिटिंग सीट है, यहाँ कितने लोगों को लगता है कि सरकार सही नहीं कर रही है, किसानों का भला नहीं हुआ, या ये बिजली दर ये जो भी कम किया गया, ये लॉलीपॉप है जैसे कुछ लोग कर रहे, कितने लोग कर रहे वो हाथ उठाए। ये कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पे कैमरा घुमा दीजिए थोड़ा वाइड करिए, लाइए करें, मैं कैमरा दिखाऊं थोड़ा वाइड। अब ये कैमरामैन से मैंने कैमरा लिया है, जिससे आप लोग हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाए रखिए। ये कैमरा मैंने बीच से लिया था ताकि मैं दिखा सकूं। एक सेकंड अब आपने देखा जो लोग यहाँ इस चौराहे पर, चौराहे क्या नाम है इसका, मैन बाजार, शहीद भगत सिंह चौक। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आपके इलाके से, ये जाट बहुल गांव है क्या? जाट बहुल गांव, आपके इलाके से जो विधायक है वो भी जाट बिरादरी के हैं, तो इस बार और पिछले बार में क्या फर्क है समझने के लिए, कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, ईमानदारी से हाथ उठाइए। सामने दिए जी, पहले हाथ उठाइए तब समझूंगा, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, हाथ उठाइए। पिछली बार सभी आए हुए हैं बकाए में, सब सबने दी, सबने दी जी, सबने दिया। पहली बार बका लिया जी इन्होंने कि युवाओं को रोजगार देवगे, 2 करोड़ रोजगार देवगे, 15 लाख खाते में आओगे, युवाओं को बहका लिया जी, सबको मतलब बहकावे में ले लिए सब एक तरफा। अब ये बदलाव को महसूस करिए, जैसे बीजेपी सरकार की तरफ से जो पोस्टर बैनर है उसमें पहले और अब किया जाता है, तो यहाँ पहले और अब देखिए, हमने पहले बताया कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जाट बहुल गांव है, सबने हाथ उठाए, और अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो इस बार बीजेपी से खफा है और वोट नहीं देना चाहते, वो हाथ उठाए।
हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बिचारों ने तंग कर दिया गांव, बिचार है लैंडा हो रहा, डांगर इन्हें छोड़ के कमरा चिन मर रहा। अब हो गया, देखिए अब ये एक अचानक का सैंपल सर्वे है। मैं अचानक आया हूँ सड़क से, मुख्य सड़क से 3-4-5 किलोमीटर अंदर, फिर भूमिका दूं कि 5-6 लोग ताश खेलते मिले, उसके बाद जब तक कैमरा खोला ताश वाले दाएं बाएं हो गए, 5-6 बच गए, और जब कैमरा शुरू किया रिकॉर्डिंग बातचीत शुरू की तो अब यहाँ लगभग 40-50 लोग हैं। इनमें से किसी को मैं नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानते हैं, सब पहली बार, आप जानते होंगे वीडियो से, चलो हाँ, लेकिन ये एक सैंपल है समझने का कि गाँव में कैसी नाराज़गी है। अब नाराज़गी कहीं जाट बहुल इलाकों में है, कहीं और भी बिरादरियों में है, लेकिन वो नाराज़गी गाँव में है, और सरकार को लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, किसान खुशहाल हैं, तो ये तस्वीर किसानों की है जो यहाँ किसानी करते हैं। किसान आंदोलन में अब मैं जरा बीजेपी वाले थे ना, आगे आइए, तो आप भी इसी गाँव के हो? हाँ जी। तो ये बताओ, आप एक बीजेपी के समर्थक, दो थे, एक और इधर कोई थे, एक ये बैठे, तीन, और ये बुजुर्ग से मैं बात करूंगा, तो जरा इधर धूप चेहरे पर रोशनी आनी चाहिए। तो ये जो हाथ उठा रहे हैं सब लोग, तो इसमें तो लग रहा है यहाँ 40-50 में 4-5 हैं ऐसा। हाँ। तो क्या मामला है ये? नू तो क्या ही करे अपना गुस्सा वही दिखा रहे जी, वोट पड़ेगी वोट देंगे बीजेपी की घड़ी। अच्छा, दिखा रहे वोट दे देंगे, गुस्सा दिखा रहे। चुनाव होगा, शांति। आपको क्या लगता है, थोड़ा खड़े हो जाओगे तो बराबर बात हो जाएगी? बिल्कुल खड़े हो जाओ। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग खिलाफ? हाँ, वो तो वैसे भी हाथ उठा रहे जिन्होंने नहीं दी। अच्छा, सभी उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है नहीं बिल्कुल। अच्छा, हाँ। और तीन सरकार मैंने देखी अभी नजदीक में, मायावती की, अखिलेश की और योगी की। इन सब में योगी गवर्नमेंट द बेस्ट गवर्नमेंट, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। अगर किसी कारण से अखिलेश ये नहीं भी आता तो प्रदेश की फिर वही दशा हो जाएगी जो पहले थी। क्या दशा हो जाएगी? जैसे क्या? जैसे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट तो बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा थी, वही फिर आ जाएगा माहौल। कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो गई है, शिक्षा में भी सुधार है, स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य सेवा में बहुत सुधार है, कोरोना बहुत तगड़ा कंट्रोल करा है उन्होंने। अच्छा, अब ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बुजुर्ग हैं गांव के, बोल रहे हैं, शुभ नाम? मेरा नाम बालेश्वर लाल है, मैं एक इंटर कॉलेज का टीचर रहा हूँ। टीचर है, गुरुजी हैं, बालेश्वर जी हैं, ये जैसे कह रहे हैं शिक्षा में सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है, जरा हाथ उठा के बोलिए, शिक्षा में 5 साल में इस गाँव में क्या क्या सुधार हो गया, बहुत अच्छा हो गया क्या? यही बताऊंगे इस बात को क्या सुधार, इस बात को तो गुरुजी बताऊंगे, हमारे गांव में शिक्षा में क्या सुधार हुआ, जो ये बता रहे सुधार हुआ। आप बताओ कि क्या सुधार? मैं इस गांव में सुधार नहीं बता रहा, मैं तो एज ए होल बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए। अब जैसे गुरुजी कह रहे मैं इस गांव की बात नहीं करूँ, एज ए होल बता रहा हूँ, भाई एज ए होल तो गाँव से शुरू होगा ना, यहाँ आप बताओगे ना कि 5 साल में क्या बदला, कुछ बदला है? लेकिन यहाँ, हाँ बिल्कुल, पहले के मुकाबले अब सुधार है। क्या सुधार है? देखिए, पहले 68,500 एक बार नियुक्ति हुई, 69,000 फिर दोबारा हुई। गांव की बात कर रहा हूँ। नहीं, गांव में नहीं, आप तो पूरे स्टेट की मत बताओ। हाँ, मैं तो, में क्या मैं तो, में सुधार हुआ? मैं तो पूरी सुधार की बात नहीं, गांव में शिक्षा में कोई सुधार हुआ? नहीं, गांव में तो ऐसा मुझे नहीं हुआ। चलिए, तो ये गुरुजी ने माना, एक मिनट, ये गुरुजी ने माना इसी गांव के हैं, पहले इन्होंने कहा कि बहुत शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन गांव में माना कि कोई सुधार नहीं हुआ। अब स्वास्थ्य में बताइए, गांव में स्वास्थ्य में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया खुला? बिल्कुल नहीं खुला। नहीं खुला? नहीं खुला। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 5 साल में नहीं खुला? नहीं, यहाँ नहीं खुला। ये गांव कितने हजार की आबादी है गाँव की? लगभग 17-18 हजार होगी। 17,000 की आबादी वाला गाँव है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नया नहीं खुला है, कोई स्कूल में शिक्षा में सुधार नहीं हो, फिर आप कैसे कह रहे हो सुधार हुआ? मैं तो एज ए होल बता रहा हूँ सर, एज ए होल गांव छोड़ के आप एज ए होल बहुत बता रहे हैं। हाँ, चलिए, अब आप ये बताइए, केवल एक गांव के लिए नहीं देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हो कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो मान लो नया PHC या नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला, लेकिन जो है पहले से वो 5 साल में बहुत बेहतर हो गया, पहले एक डॉक्टर था, 5 डॉक्टर
डॉक्टर हो गया, दवा मिलने लगी, ये सब कुछ बेहतर हुआ? हुआ नहीं, हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव में तो है ही नहीं पीएच। हमारे गांव में तो, हमारे गांव में तो पीएचसी ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल है क्या? नहीं है, हमारे गांव में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसकी हम मांग कर रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं है। चलिए, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं, ये मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से हॉस्पिटल है, आज तक एक डॉक्टर उसमें नहीं आया। हमारे गांव में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियां जाती है 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। क्या है ना यहाँ शिक्षा में कोई सुधार, ना यहाँ मेडिकल में कोई सुधार, मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, ठीक है ना, यहाँ एक पशुओं का डॉक्टर है, एक डॉक्टर है सरकारी, वो भी हॉस्पिटल नहीं खोलता, ताला लगा रहे उसका, बताओ क्या करेंगे। तो ये बताओ, जैसे जैसे ही अरविंद शर्मा झूठे वादे करे, इसी तरह इन्होंने शिक्षा में भी झूठा वादा किया। इन्होंने बोला था कि मैं यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा इंडिया में मानी जाती है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि मैं हर युवाओं को कोचिंग कराऊंगा। तो उन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वही काम अब इन्होंने क्या करा कि बिजली के बिल, क्योंकि किसान इनसे बहुत दिनों से नाराज थे, तो इन्होंने बिजली के बिल बोल दिया कि माफ कर दिए। माफ नहीं हुए, माफ नहीं किया, आधा किया। हाँ, एक मिनट रुको, बच्चे हो गया, बिजली का बिल पे बात कर। अब बात आती है, एक सेकेंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, गाँव वालों से। देखो, जैसे इन्होंने कहा 15 सालों में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पहले अखिलेश राज 5 साल हो, उसके पहले मायावती हो, उसके पहले किन्हीं की सरकार हो, किसी भी सरकार में उस तरह से विकास नहीं हुआ ना, और इस 5 साल में भी नहीं हुआ। लेकिन लेकिन जब बात आती है कि आप अच्छे दिन की बात करते हो, आप राम राज्य की बात करते हो, तो सवाल आपसे होता है, क्योंकि आपको, आप कहते हो कि पूरे यूपी में लोग खुशहाल हैं। अब एक सेकंड, आप लोग पास क्यों कर रहे, इधर बोलो, बोलो क्या आप नहीं, हम ये कह रहे हैं हमारे गाँव में बिजली घर भी अखिलेश की योजना में लग गया, और अब तो सुनो मैं बताऊं, मैं 15 दिन पहले इस पे सीएम पोर्टल पे कॉल करी थी, हमारे यहाँ 11,000 लाइन के खंबे बिल्कुल गिरने की कगार पे हैं, आज तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो रास्ता 24 घंटे में से 20 घंटे चले। अच्छा ये बताइए, ठीक है ये समझ गया, इसके अलावा समझने के लिए, क्योंकि किसानी गन्ने की का बकाया, इस पर बहुत बात हम लोग कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे मुकम्मल विकास की बात होती है, टोटल डेवलपमेंट जो बात की गुरुजी ने, किस पैमाने पर आपको लगता है कि 5 साल में इस गांव में ये काम अच्छा हुआ, कोई बता सकता है? बीजेपी वाले से ही पूछ लेते पहले। पेमेंट नहीं बढ़िया, पेमेंट बढ़िया नहीं हुआ, नहीं मैं करूं विकास का कोई काम बताओ, विकास तो सड़क बनेगी, रोड बनेगी, गांव में तो चल गया बड़ोत श्याम जिलो सह पहले बड़े बकवास करे, रोड बनेगी बढ़िया, पहले 2 रुपए लगा कर रहे थे बड़ोत जाने में, 30 रुपए लगे, सड़क नुकसान की बनी डीजल कहाँ गया है इस सरकार में, 100 रुपए लीटर बुझा दिया डीजल, बिजली का गैस के सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर 300 रुपए का था, 1,000 रुपए का खरीद दिया। जयंत चौधरी के साथ है हम, ये तो इन्होंने घोषणा कर दी जयंत चौधरी के साथ है। चलिए, ये हमारा मकसद नहीं है, काम क्यों नहीं दे जी, हम बीजेपी की वोट देते, मतलब 5 साल में एक भी काम करे हो, जो उनसे सुरक्षा का है ना हमारे साथ हुआ था जो उन्होंने में, और इतना नहीं था, बर्दाश्त नहीं था, इतना नुकसान, बताओ क्या करे कौन सा कहे हो कहना सुरक्षा है हम, बताओ भाई मेरा हमारे साथ हुआ था जो उन्होंने दिन से भाई, और मारा लड़की साथ ही दिल्ली पुलिस में थी, और वहाँ बदतमीजी करी थी उन्होंने, ये बताए नहीं, बताओ भाई ये बहुत अच्छा, ये बताओ आप इनसे पूछो ना, पहले के मुकाबले कम हो, पहले के मुकाबले कम हो, बता नो गए सुरक्षा है, एक काम गिनवा दो, एक काम जी, और मैं बोर्ड दे दूंगा खुल गए, एक काम गिनवा दो, पहले के मुकाबले क्राइम कम है। एक बार फिर से नाम पूछूंगा, क्या नाम बताओ? धर्मवीर सिंह। ये धर्मवीर जी, लेकिन आप यहाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, धर्मवीर जी लेकिन आप यहाँ अल्पमत में आ गए हो बिल्कुल, हैं?
50 बटे दो है। जबकि आप पूर्व प्रधान हो तब यह हाल है। मैं बताऊं बीजेपी का वोटर गांठ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, लोक दल वाले रुक के तरह भाई एक फर्क है, एक फर्क है। क्या गाँव के नहीं आज बीजेपी का भी जाए 5 साल हो जी हमारे गाँव में आने आज तक हमें दिखा नहीं। इतने रोले तो जिप भी हो यहाँ जी भी आ रहे हैं हरिये जेब और हरिये इतने रोले जिप भी होते हैं यहाँ चुनाव में। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। एक जीप हम हार जाएंगे ना जीप इतने रोड़े तो जीप भी होंगे। अच्छा अच्छा रही बिजली की बात, वो जो दर घटाई 2016 में 75 रुपये आस पावर थी, बीजेपी ने 2017-18 में 12.5 आस पावर कर दी और 190 रुपये बिल कर दिए और ये भी 190 मत आप कर दिए। ये बना अभी बिल भी बढ़ा रहे पावर भी बढ़ा दी। पहला नहीं कहीं हुआ कुछ भी आप अखिलेश के राज में। सुन भाई अखिलेश के राज में कुल 75 रुपये आस पावर थी, योगी सरकार ने 180 रुपये 85 रुपये 95 रुपये कर दी और आस पावर 5-7 की 12.5 कर दी। वो तो सुन लिया मैंने। हाँ जी अच्छा ये भी उसमें भाई वो बिल है बिल घटा दिया कुछ वैसा आसान तो करा नहीं। एक मैं सुनो हाँ। रही रुक जा रही रही गुंडागर्दी की 8 लाख रुपए भी वहां सिक्कू बागपत में घुसे 8 दिन पहले। आज 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 बड़ोत में पिस्टल धर के गर्म घर को लूट लेके 1 लाख नकद और जेवर ले गए। और सुनो मायावती की सरकार में अखिलेश की सरकार में किसी दलित की लड़की को मार कर रात को नहीं जलाती पुलिस, किसी ने जला जो जो योगी सरकार में जड़ी, यही कहना था मेरा तो। हाँ अच्छा हाँ भाई तो बताई रही पेमिट की 14वें दिन का वादा करके थे 14वें दिन का 14 महीने का हो लिया यहाँ से। पिछली जनवरी का पेमिट आया बोलो पिछली का अरीब का गिरनी लग रही। तो आपका नाम क्या है? हरिंदर दंगी नाम है जी। हरिंदर दंगी हरिंदर दांगी जाट बिरादरी के हो। हाँ जी तो ये आपसे जानना चाहता हूँ, एक सेकंड ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बड़ौत इलाका है ये विधानसभा जाटों की बहुलता भी है, आखिर आप ही लोगों ने वोट दिया ना 17 में 19 में 14 में? तो वोट तो दिया आप ही लोगों के वोट से बीजेपी जीती ना। हाँ वोट दिया इनकी अच्छाई क्या उसने ये लोग कहते हम इतना अच्छा काम करेंगे किसान को दिक्कत नहीं होने दे, जितना जितनी महंगाई है सिलेंडर 400 रुपए का था किसे 300 का करेंगे, जब तो रामदेव भी नु कह था 30-35 रुपए लीटर वाले वोट दोगे बस 80-90 वाले को। आज रामदेव भी नु का साइकिल पे चला करो, देश हित में तो ये काम करना ही पड़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ाई थी सिलेंडर का है आज 900 रुपए का सिलेंडर है जी। जब अखिलेश सरकार थी जी 360 रुपए का सिलेंडर था आज 900 रुपए का सिलेंडर है। तो कह तो रहे कि देश हित में सरकार के खजाने में पैसा होना चाहिए। खजाने में खजाना कहाँ है देश की, तो देश तो सब सब तो नीचे जा लिया। बांग्लादेश की हमारे देश था सब सारे देश सुधा हालत खराब थी, लेकिन आज बांग्लादेश की हमारे देश तभी हालत बढ़िया है भाई। अब सरकार कहती है कि यूपी के लोग खुशहाल हैं, हिंदुओं के लिए इतना मोदी जी सोच रहे हैं, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अब मथुरा में कर रहे हैं, मथुरा में भी तैयारी है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ। यहाँ पे हिंदू रहे मुस्लिम नहीं रहते, मुसलमान नहीं और कम्युनिटी नहीं ऐसी इंडिया में। मुसलमान नहीं था, जिसने इस हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति दी वो मुसलमान नहीं था, बस हिंदू मुसलमान वो भी तो मुसलमान ही होगा। अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं था, जिसने अपनी छत्ती का गोला बांध के टैंक तोड़ा था, आज ये मुसलमान नुके पीछे लग गए इतने। क्या बीजेपी में मुसलमान सांसद नहीं है? क्या इन बीजेपी वालों की लड़की मुसलमान नुके नहीं है? बस पब्लिक का बेवकूफ बना रहे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश ये बकवास करो ना, इससे नारा कुछ है ही नहीं। बत्ती बजा दी किसानों की, लाइट ना करवाई जाए उन पैदा, अगर रात दिन 24 घंटे वही रहे खेत में, 24 घंटे खेत में रहना पड़ रहा जट्टू, लाइट ना छुटवा दिया योगी मोदी ने डांगरू का, 24 घंटे खेत में रहना पड़ रहा किसान को। सारी चलते हैं जी, बिजार की बात करें, देखो हमारे गाँव में इतनी बुरी हालत है पशुओं की, इतनी बुरी हालत है पशुओं की, पटले तार लग रहे, क्या लोग किसान परेशान हो रहा
बहुत ज्यादा है। चलिए आप जरा मुझे ऊपर आने दीजिए। अब ये भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आपस में आप लोग बात मत करिए, आपस में बात मत करिए। गांव वालों के आपस की मोहब्बत की, मोहब्बत की बात, गांव वालों की गुस्सा मत करो। गुस्सा मत, हमीद मुसलमान नहीं था के, उन्होंने देश के लिए नहीं मरे। सही बोला, सही बोला, सही बोला। अरे पजम में मत लिख रहे खाम खा। अच्छी बात देखिए आप, शांति नहीं कह रहे, शांति नहीं कह रहे। तो ये छो क्यों आया बता, तो ये क्यों छो आया? बात मत करो, हो गया हो गया। सुनिए चौधरी साहब, बात मत करो, बात मत करो। देखो आपने अच्छी बात कही, अब्दुल हमीद जैसे आपने एक आगे सर, चौधरी साहब, चौधरी साहब आपने सही कहा। आप खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ चौधरी साहब। झगड़ा मत करो, अरे एक को कावड़ा दूसरा अंगा लगा लगा। आप देखिए ये बहस बहस मैं नहीं चाहता था हो। चौधरी साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? आप शांत हो जाओ, आपस में नहीं लड़ना, शांत शांत हो जाना, आपस में नहीं लड़ना। प्रोग्राम का सत्यानाश ना करो। चलिए हाँ, बहरहाल 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 पीछे तो बच्चे पीछे तो बहरहाल देखिए ये आपस में क्यों आप लोग तनातनी कर रहे हो? सब इसी गांव के लोग रहने वाले हो इसी गांव के। चौधरी साहब ऐसे नहीं करते, चौधरी साहब ऐसे नहीं करते। हेलो, इनको इनको रोकना, इनको रोकना जरा। चलो और ऐसा और बिल्कुल बहुत वेलकम, स्वागत है, बार बार आओ, स्वागत है आपका। बिल्कुल कोई तनाव कोई विवाद है नहीं, ये तो यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है, इस तरह की वो हो जाए कोई झगड़ा नहीं है। वो भी मारा ही है, वो भी मारा ही है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं, बिल्कुल विवाद नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बहरहाल इस बातचीत को मैं खत्म करता हूँ। इस गाँव का नाम फिर भूल गया, लोहारी जी, लोहारी गाँव से बातचीत में आखिर में थोड़ी तलखी भी हुई, लेकिन गांव के चौक चौराहे चौपालों पर ऐसी स्थितियां बनती है। एक अच्छी बात लगी कि यहाँ एक बुजुर्ग जिनका नाम चौधरी साहब जो यहाँ बैठे थे, उन्होंने जिक्र किया कि हिंदू मुसलमान करने से सियासत ऐसी हो जिसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र हो वो देश के लिए ज़रूरी नहीं है, और बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उसी में जिक्र किया उन्होंने APJ अब्दुल कलाम का, उन मुस्लिम लोगों का जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए, देश में के निर्माण में अपना योगदान दिया। उसी में उन्होंने सरहद पर अपनी जान गंवाने वाले अब्दुल हमीद का भी जिक्र किया। तो एक अच्छी बात है, यही मुकम्मल भारत इसी से बनता है, इसमें न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है, जब तक सब साथ नहीं है तब तक ये भारत ये हिंदुस्तान नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से, किसी और भीड़ जमात के बीच, जहां मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा उनके मन में क्या है। और मैं ऐसे ही गांव मोहल्ले कस्बों में घूमता रहता हूं, लोगों के मन को पढ़ता रहता हूं, परखता रहता हूं, जानता हूं, जो देखता हूं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल इस लोहारी गांव से, कौन सा चौक? भगत सिंह चौक हाँ, पीछे 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 शहीद भगत सिंह की यहाँ प्रतिमा भी लगी है। ये बहुत खास बात है कि गांव के बीच में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी है। तो गांव ने मिलकर लगवाया इसको, ये पूरे गांव ने लगवाई जी, पिछले साल सभी ने सहयोग करा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने और पूरे गांव के लोगों ने इसको लगाने में पूरा सहयोग करा। ये इस गांव की खास बात है। उद्घाटन इसका किया था, इसका जो अनावरण किया था शहीद भगत सिंह जी के परपोत्र आए थे युजवेंद्र जी, उन्होंने इसका उनका स्वागत किया, वहीं से लेकर आए थे ट्रैक्टर में और उन्होंने इसका अनावरण किया था। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से, किसी और इलाके में। फिलहाल नमस्कार।